दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोन पे फॉर बिजनेस। अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसके लिए आप अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन है फ़ोन पे फॉर बिजनेस या फ़ोन पे फॉर मर्चेंट। तो इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट बनाकर अपने कस्टमर से अगर कोई भी वो पैसे देना चाहता है आपको तो यहाँ पर उससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फ़ोन पे फॉर मर्चेंट या फ़ोन पे फॉर बिजनेस का अकाउंट पूरा कैसे सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में जो सारी जानकारी होगी वो स्टेप बाय स्टेप आपको दी जाएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने फ़ोन पे फॉर बिजनेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको फॉलो करके यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। देन आपने इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन करते हैं अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको सबसे पहले इसको परमिशन देनी होगी। तो आप इसको परमिशन दें। परमिशन देने के बाद आपने साइनअप पर क्लिक करना होगा क्योंकि हम अकाउंट न्यू बना रहे हैं यहाँ पर, तो आप साइनअप पर क्लिक करेंगे। देन आपने अपना बैंक के में कनेक्टेड मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपके पास आएगा जो कि ऑटोमेटिक ले लिया गया है। देन आपने यहां पर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं अब आपने अपनी जो कि शॉप है या आपका बिजनेस है उसको मैप पर पॉइंट करना होता है, तो उसके लिए हमें यहां पर थोड़ा सा इसको जूम आउट करना है। अब इस पॉइंटर को हमने वहां पर रखना है जहां पर मैप पर हमारी दुकान है, तो यहां से आपने उसको वहां पर ही छोड़ना है जहां पर आपकी दुकान है। देन आपने यहां पर अपना बिल्डिंग नेम में जो है अपना लोकल एड्रेस या बिल्डिंग का नाम डाल देना है। आप अपनी बिल्डिंग का नाम और अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, देन बाकी का जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर टॉप मर जाना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं अब आपने अपना बिजनेस नेम डालना है। ये वो बिजनेस नेम होगा जब आपको कस्टमर कोई पे करेगा तो उसको यहाँ पर शो होगा, तो आपने अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। देन आप कैटेगरी वाले सेक्शन में आपको अपनी सुपर कैटेगरी, सब कैटेगरी ये सिलेक्ट करनी होती हैं, तो आपने ये आपको आपके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने तीनों कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेनी है। देन सेव चेंजेस पर क्लिक करना है और फिर से आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से आपको अकाउंट डिटेल डालनी होगी, तो यहाँ से आपको आपको पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और उसी को कन्फर्म करना होगा। देन IFSC कोड डालना है और बैंक अकाउंट टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, आपने भी इसी तरह से डालनी होगी। देन आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ से 2 से 3 सेकंड जो है वो लग सकते हैं, तो आप उसका वेट करेंगे। उसके बाद देखिए आपको मैसेज मिल जाएगा। देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर फ़ोन पे फॉर बिजनेस का जो है वो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपको टॉप में ही देखने को मिलता है आपको आपके बिजनेस का नेम। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके बिजनेस का नेम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे टॉप में मिलेगा नीचे स्टोर अपडेट्स। तो यहाँ से जो है आप अपने आइटम डाल सकते हैं या कोई भी कस्टम पोस्ट जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है खाता, तो यहाँ से आप अपने कस्टमर का जो खाता है उसका लेखा जोखा रख सकते हैं यहीं पर। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपने नीचे आना है और इनेबल खाता नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद लेखा जोखा रख सकते हैं। देन आपको मिलता है QR कोड जिसके थ्रू कस्टमर जो है वो पे करते हैं। तो अभी जो है हम लोगों का यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आप पेमेंट और QR कोड हमारा 2 से 3 दिन में एक्टिवेट होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, लेकिन ये 1 से 2 घंटे में ही हो जाता है। तो हमने अभी इसका वेट करना है। देन हमने फ़ोन पे फिर से ओपन करेंगे। अब जैसे ओपन करते हैं देखिए वो मैसेज जो है वो चला गया है, इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है। अब शो QR कोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा QR कोड जो है वो देखने को मिल जाएगा और इसके थ्रू कोई भी हमारा जो कस्टमर है वो पे कर सकता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे पे करना है। कोई भी बंदा जो होगा वो जो कि है फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी UPI ऐप से जो है हमारा QR कोड स्कैन करेगा जो कि हमारे दुकान के बाहर लगा होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से स्कैन करेगा, देन हमारे दुकान का नाम आ जाएगा और यहाँ से अब वो जितनी भी अमाउंट जो है पे करना चाहता है वो डालेगा और रिमार्क वाले सेक्शन में वो कुछ भी डाल सकता है। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर डेमो, देन पे पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो पे पर क्लिक करता है उसके बाद उसको अपना UPI पिन डालना होगा पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए। तो जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करता है ये देखिए यहाँ पर राइट पर क्लिक करेगा, आपको जो है वो मैसेज भी मिल जाएगा आपके फ़ोन पे फॉर बिजनेस में और ये साउंड भी आती है।
देन आपने यहाँ पर जैसे ही डन पर क्लिक करेगा आपका कस्टमर, यहाँ से वो आपका जो है पूरी डिटेल्स देख सकता है स्टोर की, तो वो आपको कॉल भी कर पाएगा। अगर उसने पे दोबारा से करना है तो वो पे भी कर सकता है, आपका एड्रेस वगैरह भी देख सकता है, और सबसे अच्छी बात यहाँ से वो आपको रेट भी कर सकता है, रेटिंग दे सकता है। और जैसे ही वो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेगा वो आपके स्टोर को रेटिंग भी दे पाएगा। तो इस तरह से रेटिंग होती है। अब आपको जो पेमेंट मिली है वो आप फोनपे फॉर बिजनेस में देख सकते हो, जैसे कि 20 रुपये की पेमेंट मिली है और बाकी की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, सारी हिस्ट्री देखनी है, तो आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो आपकी सारी हिस्ट्री जो ट्रांजेक्शन है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे कि अभी डे पर क्लिक है तो यहाँ से हमारा जो आज की वो है वो 41 रुपीज़ हुई है, 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो कि ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो है स्टोर की डिटेल वगैरह देखिए जैसे एडिट करनी होगी है, तो स्टोर पर जाएंगे, देन आपको यहाँ पर मिलेगा एडिट स्टोर डिटेल। तो यहाँ से आप अपने स्टोर की डिटेल जो है वो एडिट कर सकती हैं, लोगो लगा सकते हैं, लोकेशन वगैरह, टाइमिंग किस वजह खोलता है, और फोटोज़ वगैरह यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हैं और फोटो डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी जो है स्टोर की डिटेल्स आप जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलती है वो है पेमेंट लिंक। तो पेमेंट लिंक के थ्रू जो है आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने कस्टमर को कि आप पे करिए, तो यहाँ से पेमेंट लिंक वाले सीन से आप कुछ इस तरह के लिंक बना करके अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर आपके पास कोई कमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।